हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग एंड एसएससी चैनल। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक कैलेंडर के बारे में। अब देखिए, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर एसएससी के एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों को कैलेंडर के टॉपिक में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक तो इसका सिंपल क्वेश्चन होता है कि आपको डेट गिवन होती है और आपसे डेट पूछता है, तो ये चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं चल पाता है ना, या फिर हम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं कई बार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, और साथ में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें आई कहाँ से है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, इस तरीके से बोल देता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, कैन बी। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होता है और आगे चार ऑप्शंस होती है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बन जाता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, सेकेंड क्वेश्चन इसका ये होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इस पे आ जाता है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी cannot। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको रट के चले जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती हुई, क्योंकि चारों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ये चारों क्वेश्चन एक जैसे ही है बिल्कुल। तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि ये आएगा कैसे, हम इस क्वेश्चन को निकालते कैसे, ठीक है ना। तो इनको निकालने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो जो फर्स्ट सेंचुरी थी, जो फर्स्ट सेंचुरी है हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर 100th ईयर तक, तो उस फर्स्ट सेंचुरी का जो फर्स्ट डे था, ठीक है, फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट डे कौन सा था, मंडे, ठीक है। यह हमें सभी पता है कि जो हमारा कैलेंडर है, जो हम पढ़ते हैं, उस कैलेंडर का फर्स्ट डे क्या होता है, हमेशा मंडे होता है। मंडे मतलब फर्स्ट डे होता है। ऐसे ही ट्यूजडे क्या होता है, सेकेंड डे, ठीक है। वेनसडे होता है थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे फिफ्थ डे होता है, सैटरडे सिक्स डे होता है और संडे सेवंथ डे होता है, यही है ना। इसी तरीके से हमारा वीक खत्म होता है, है ना। इस वीक की अगर हम बात करें, सेवंथ जो डे होता है संडे, इसको हम जीरोथ डे भी कहते हैं, क्योंकि संडे के बाद फिर क्या आएगा, मंडे, और मंडे क्या होगा, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट के पहले क्या आएगा, जीरो। तो संडे को सेवंथ डे भी बोला जाता है और जीरो डे भी बोला जाता है, समझ रहे हो ना बात को। ये चीज आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको लीप ईयर का पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ईयर है, 1994, 1993, 1997, 1996, है ना, अगर वो कोई भी ईयर डिवाइड बाय 4 हो जाता है तो वो क्या होता है जी, लीप ईयर, ठीक है। इसके अलावा और लीप ईयर में क्या चीजें आती हैं कि कोई भी हमारा सेंचुरियन ईयर है। अब सेंचुरियन ईयर क्या चीज होती है, जैसे सन 2000, सन 1900, सन 1800, सन 1700, सन 2100, है ना, सन 100, 200, 300, 400, जिनके आगे 20 लगे हुए हैं, उन्हें हम बोला क्या बोलते हैं, सेंचुरियन ईयर। अगर कोई भी सेंचुरियन ईयर 400 से डिवाइड हो जाए, 4 से नहीं, 400 से अगर डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह पूछे कि बताओ जो 100th ईयर था क्या वो लीप ईयर था, तो आपका आंसर क्या होगा कि देखो क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं, जो कि नहीं हो रहा है, 1/4 बचा है, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो 100th ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही जो सन 200 है, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 400 करोगे तो प्रॉपर नहीं कैंसिल होगा। सन 300 जो है, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, और जो सन 400 होगा, ये डिवाइड हो सकता है पूरा, है ना, 1 से डिवाइड हो गया पूरा, तो ये क्या होगा हमारे पास, लीप ईयर, समझ रहे हो ना। ऐसे जो 2000 ईयर था, जो अभी निकला है ना 19 साल पहले, ये भी अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 से कैंसिल पूरा हो जाता है, तो ये भी लीप ईयर है, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही देखो, अगर मैं मान लो
सन 2100 की बात करूं, जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट सेंचुरियन ईयर कौन सा आने वाला है, 2100। तो अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूं तो 20 से 20 कैंसिल और ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2100 जो है वो लीप ईयर नहीं है। समझ गए ना बात को? अब अगर ये लीप ईयर नहीं है, अगर मैं एक सेंचुरी की बात करूं तो एक सेंचुरी जो होती है वो 100 साल की होती है, ठीक है। तो कोई भी सेंचुरी होगी उसमें या तो 24 लीप ईयर होंगे या फिर 25 लीप ईयर होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पहले एक से लेके 100 साल तक, एक से लेके 100 साल तक, तो कितने लीप ईयर होंगे? देखो 4 इज अ लीप ईयर, 8 इज अ लीप ईयर, 12 इज अ लीप ईयर, ऐसे 96 तक क्या होगा लीप ईयर। लेकिन जो 100 है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 4 का मल्टीपल चाहे है ये, लेकिन ये 400 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये सेंचुरियन ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो इस एक से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर होने वाले? 24, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या होता है, 100 डिवाइड बाय 4 करो 25 आना चाहिए कि 24 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन यहां पे 100 ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब एक कम हो जाएगा लीप ईयर, आंसर रहेगा हमारे पास 24 लीप ईयर्स। समझ गए ना बात को? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, आपको पता चल गया होगा कि डेज को कैसे लिखा जाता है और उसके बाद लीप ईयर कौन सा होता है। बाकी नॉर्मल ईयर तो देखो सारे होते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं एक साल की बात करूं तो नॉर्मल एक साल में 365 डेज होते हैं, नहीं होते हैं ना, ठीक है। नॉर्मल एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने वीक और कितने डे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टोटल 52 वीक्स होने वाले हैं प्लस वन एक्स्ट्रा डे, या फिर ये कह सकते हैं कि वन ओड डे आ जाएगा इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा है तो ओड बोलेंगे इसको हम। मतलब आया कैसे, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 7 करता हूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 52 से और एक बचेगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। मतलब 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए हमारे, उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचा है। अब देखो जी, जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो एक्चुअल में होगा क्या, कि मान लो अगर मैं बात करूं एक साल की, पहला जैसे अगर मैं 1 जनवरी की बात करता हूं, 1 जनवरी 2017, ठीक है, कि मान लो इस दिन क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। क्या होगा ये, मंडे होगा, मान के चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा पूरा एक साल कंप्लीट होगा, जब हमारा पूरा एक साल कंप्लीट होगा तो एक ओड डे बचेगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट डे होने वाला है इस साल का, 31 दिसंबर जो होने वाला है, उस केस में क्या होने वाला है 21 दिसंबर में, कि भाई 52 वीक्स तो खत्म हो जाएंगे 30 दिसंबर को, ठीक है। और जो लास्ट वाला डे होगा 31 दिसंबर, उसमें एक दिन आगे निकल जाएगा, मतलब 52 वीक्स पूरे कंप्लीट, और ये जो मंडे है वो एक आगे शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। क्योंकि अगर पूरे वीक कंप्लीट होते, 7-7 के पूरे वीक कंप्लीट होते, तो यहाँ भी क्या होना था, मंडे होना था, लेकिन यहाँ पे एक दिन आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मंडे का एक दिन एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, वो ट्यूसडे बन जाएगा। समझ रहे हो ना, इसे कहा जाता है ओड डे कॉन्सेप्ट, क्लियर है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके ऊपर भी काफी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये कहां से आया है। अभी ये वीडियो उनके लिए है जिनको कैलेंडर आता है, जो डेट से डे निकाल लेते हैं, लेकिन ये चीजों के बारे में उनको पता नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये तो हो गया नॉर्मल ईयर, जैसे नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, ऐसे अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में होती है 366 डेज। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 52 वीक्स तो होंगे कंप्लीट, 52 वीक्स होंगे कंप्लीट, और एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे, 2, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने दिन बच जाएंगे यहां पे, 2। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है, इससे क्या होने वाला है कि मान लो अगर ये साल होता 2016, मतलब अगर ये लीप ईयर होता, तो यहां पे क्या होना था कि 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते, मतलब अब ये ट्यूसडे नहीं होता, ये क्या होता है, वेडनेसडे होता। अब ये वेडनेसडे क्यों हो रहा है, क्योंकि 29th फेब एक्स्ट्रा आ गई इसमें, एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हो गया, पूरा वीक एक आगे शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो ना, डेट को थोड़ा सा एडजस्ट करना ना इसमें, तो वीक आगे शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। जैसे मान लो 28 फेब को होता है मान लो ट्यूसडे, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, एक दिन शिफ्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये लीप ईयर होता तो फिर यहाँ पे 29th फेब आ जाता, तो वेडनेसडे ये हो जाता, तो ये कितना हो जाता, थर्सडे, तो 2 दिन शिफ्ट हो गए कि नहीं यहाँ पे, तो ये 2 दिन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे भी 2 दिन शिफ्ट कर दिए मैंने, समझ गए ना बात को,
ठीक है, अब समझना कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब मैं पूरी सेंचुरी की बात करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं करूं बात फर्स्ट सेंचुरी की, स्टार्टिंग से बात करें अगर, तो भैया फर्स्ट सेंचुरी जो होती है उसमें कितने साल होते हैं, 100 साल, ठीक है। अब एक नॉर्मल साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, 100, ठीक है। प्लस इनमें कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, पहली सेंचुरी की बात करें तो लीप ईयर कितने रहे होंगे, 24, ठीक है। मतलब 100 साल जो नॉर्मल है और 24 क्या लीप ईयर है। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये नंबर ऑफ ऑड डेज है कि एक साल में एक ऑड डे होता है, तो 100 सालों में 100 ऑड डे, और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो एक तो यहां पे हमने लिख लिया और जो एक्स्ट्रा एक था वो यहां पे लिख लिया हमने, ठीक है। तो 124 दिन एक्स्ट्रा बन जाते हैं ऑड। तो अगर मैं इसको भी वीक्स में कन्वर्ट कर लेता हूं डिवाइड बाय 7 करके, तो देखो जी सारा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो 7 से कैंसिल हो गया, 5 कैरी, 7 × 7 = 49, तो 5 बचा, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है कि 5, देखो पहली सेंचुरी मंडे से शुरू हुई थी 1 से, और लास्ट डे क्या आ रहा है उसका 5। अब 5 किसका कोड होता है जी, 5 फिफ्थ डे ऑफ वीक कौन सा होता है, फ्राइडे, ठीक है। तो मतलब जब पहली सेंचुरी खत्म हुई थी तो क्या था, 5 आया था हमारे पास, फ्राइडे आया था, ठीक है। तो पहली सेंचुरी खत्म होने पे अगर फ्राइडे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी फ्राइडे हो सकता है, कैन बी फ्राइडे, समझ गए हो ना। अब ऐसे ही देखो, जब दूसरी सेंचुरी पे हम गए, सेकंड सेंचुरी, तो सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो 5 दिन और थे वो अगली सेंचुरी में चले गए, ठीक है। 5 दिन नहीं गए, उनका जो नेम थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो आगे चले गए, आगे शिफ्ट हो गए। मतलब अगर पहली सेंचुरी हमारी फ्राइडे पे खत्म हुई है तो अगला दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। अगली सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होने वाला है, सैटरडे होने वाला है, तो सैटरडे क्या होता है, 6th डे। अब 6th डे कैसे आएगा, अगर मैं 5 को यहां पे लिख लूं तो अगले वाला दिन कौन सा होने वाला है, ऑटोमेटिकली सैटरडे, 5 पिछले वाले और 1 आगे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब सेकंड सेंचुरी में क्या होगा, 100 साल होते हैं तो 100 और डे ऑलरेडी आ जाएंगे, इसमें 24 लीप ईयर होंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे आप, 7 से, वीक्स में कन्वर्ट कर लोगे इसको भी, तो और डे कितने बचेंगे, देखो जी अगर आप इनको ऐड करते हो तो 129 बचेगा, तो 129 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 126 तक तो कैंसिल हो जाएगा, 18 × 7 = 126, तो ये 3 रिमाइंडर बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर। मतलब जब दूसरी सेंचुरी खत्म होती है तो 3 और डे बचते हैं, और 3 और डे मतलब तीसरा नंबर किसका होता है जी, तीसरा डे कौन सा होता है वीक का, वेडनेसडे, यानी कि जब दूसरी सेंचुरी खत्म हुई थी तो कौन सा डे था, लास्ट डे सेंचुरी वेडनेसडे, मतलब जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है वो फ्राइडे भी हो सकता है और वेडनेसडे भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे ही देखो थर्ड सेंचुरी में क्या होगा, थर्ड सेंचुरी में क्या होने वाला है कि भैया ये जो 3 ऑड नंबर है ये तो यहां पे आ जाएंगे, तीसरी सेंचुरी के 100 साल प्लस 24 लीप ईयर और डिवाइड बाय 7, वीक्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये बना 127, ठीक है। अब देखो 126 तक तो कैंसिल हो जाता है 18 × 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। और 1 का मतलब क्या हो जाता है कि 1 कौन सा डे होता है, मंडे, मतलब लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मंडे भी हो सकता है, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो, जब हम आए फोर्थ सेंचुरी पे, ठीक है, फोर्थ सेंचुरी पे जब हम आए तो फोर्थ सेंचुरी में ये एक डे आगे चला गया, शिफ्ट हो गया, उसके अपने 100 साल होंगे और इसमें लीप ईयर कितने होने वाले हैं, 25, ठीक है, 24 नहीं होंगे क्योंकि जो फोर्थ सेंचुरी का लास्ट साल होगा वो 400 ईयर होगा, 400th ईयर, तो जो कि लीप ईयर होता है, तो 25 कंसीडर करेंगे यहां पे और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, अब 7 से, तो 100 प्लस 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 7, ये 126 बन गया ऊपर, जो कि पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है। और 0 क्या होता है, 0 1 से पहले आता है और मंडे से पहले क्या आता है, संडे, ठीक है। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिफ्थ सेंचुरी में क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आपको, ठीक है, फिफ्थ सेंचुरी में क्या होने वाला है, पीछे से 0 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद इस सेंचुरी के 100 साल होंगे प्लस 24 लीप ईयर होंगे डिवाइड बाय 7, तो सेम बन गया कि नहीं, 100 प्लस 24 डिवाइड बाय 7, 100 प्लस 24 डिवाइड बाय 7, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होने वाला, फिर से 5,
ठीक है, तो नेक्स्ट सेंचुरी में ये वाला केस चलेगा, पूरा रिमाइंडर बचेगा, बनेगा 3, फिर बनेगा 1, फिर बनेगा 0. मतलब क्या होगा कि ये जो पहले 4 सेंचुरीज हैं यही आगे फिर से रिपीट हो जाएंगी, और यही रिपीट होती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी आगे. समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पे मुझे 4 दिन मिले हैं जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं. ठीक है, 4 दिन मिले हैं मुझे जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं. कौन कौन सा डे है? मंडे है, वेनसडे है, फ्राइडे है और संडे है. क्लियर है? तो ये 4 दिन होते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी. ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है ये समझना थोड़ा सा. ये जो 0th डे है संडे, इसको मैं 7th डे भी तो कह सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 0th डे को मैं 7th डे भी कह सकता हूँ. ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या होता है, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है, चारों याद नहीं रखने, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत. एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है वो हमेशा ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं. ठीक है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हमेशा क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ डेज. जैसे देखो 1, 3, 5 और ये 7. हाँ जी, 1, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी. एक्सप्लेनेशन पता चलेगी सभी को. ठीक है ना, ये चीजें बहुत कम बताते हैं लोग, सीधा कह देते हैं ऐसे याद कर लो, जो कि रटना मुश्किल हो जाता है. कल को अगर आप भूल जाते हो तो यहां से देख लेना, आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, छोटी सी कैलकुलेशन है. समझ आ गया ना सभी को? तो देखो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी को क्या क्या होगा फिर आगे. पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कह रहा हूं कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी का हो गया 1, 3, 5, 7, मतलब कहने का मंडे, वेनसडे, 5 होता है फ्राइडे और संडे. ठीक है, अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका अगर मैं सोल्यूशन देखूं, सेकंड में क्या बोला गया है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी. ठीक है, कि पहले में क्या था कि क्या हो सकता है, अब पूछा हुआ है क्या नहीं हो सकता है. देखो जी, अगर ये 4 दिन लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं तो कौन से नहीं होंगे? बचे हुए 3 दिन है ना, बचे हुए 3 दिन, बचे हुए 3 दिन कौन से हैं? 2, 4 और 6, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. ऐसे याद रख लो ना, देखो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा है ना, या फिर ये कह सकते हो कि अगर मंडे है तो और वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो ये 3 बचे हुए नहीं होंगे ना. समझ रहे हो ना बात को? ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? आपको क्या बोल दिया उसने कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, कि कौन सा दिन है जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकता है. अब एक चीज देखो जी, जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी होगा वो क्या होगा? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी का अगला दिन ना, देखो लास्ट सेंचुरी के लास्ट डे में जो भी आया होगा उससे अगला दिन क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, यही होगा ना. अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी में मंडे रहता है, ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या बनेगा? ट्यूसडे बनेगा, मतलब 2 कोड बनेगा, 1 से 2 आएगा. अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी 3 रहता है तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी 4 रहेगा. ऐसे अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी अगर 5 रहता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी अगर 7 रहता है तो फर्स्ट डे क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि 7 के बाद फिर से 1 आ जाएगा. यानी कि ये 4 दिन आगे ना, तो 2 क्या होता है? ट्यूसडे. 4 होता है थर्सडे. 6 होता है सैटरडे और 1 होता है मंडे. क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन से ही सारा, पहला मैंने सोल्यूशन बता दिया, बाकी सारे इसी से ही. ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसका सोल्यूशन देखो, आपसे बोला गया है कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, कौन सा दिन फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता है. भाई देखो, ये 4 दिन हो गए फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, तो बचे हुए 3 दिन नहीं होंगे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी. तो कौन कौन से दिन बचे हुए हैं? 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 नहीं लिखा हुआ, 4 लिख लिया, 5 नहीं लिखा हुआ, 6 लिख लिया, 7 नहीं लिखा हुआ. ठीक है, तो 3 डे कौन सा होता है? वेडनेसडे. 5th डे कौन सा होता है? फ्राइडे. ठीक है, और 7th डे कौन सा होता है? संडे. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास ये 4 जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है. आप अगर ये चीज याद रख लो ना कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ओड डे होंगे, तो बस सारे क्वेश्चन निकाल दोगे आप. समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली.
क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के वो क्वेश्चन बताए हैं जिनका सोल्यूशन बहुत कम मिलता है हमें। मैंने सोल्यूशन भी बता दिया और याद करने का आपको एक तरीका भी बता दिया है। अब इसकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्वेश्चन इसका मिल जाएगा आपको, एसएससी में मिल जाएगा, सीडीएस का पेपर दोगे उसमें मिल जाएगा, सीएपीएफ के पेपर में मिल जाएगा, लगभग सारे पेपर में इसका ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज का सेशन, थैंक यू वेरी मच।